हे गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ इस तरीके का यूट्यूब चैनल बैनर आर्ट। सो गाइस, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पिक्सल लैब में आ जाना है, देन यहां से हमें इस टेक्स्ट को पहले डिलीट कर देना है, फिर थ्री डॉट पर जाना है, इमेज साइज में जाना है, कस्टम में जाना है, देन यहाँ से हमें यूट्यूब चैनल बैनर को सिलेक्ट कर लेना, फिर हमें प्लस का टैप करना है, गैलरी में जाना है और यहाँ से हमें इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। मैं आपको जो भी बैकग्राउंड यूज़ किया उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। फिर हमें इसको ड्रैग करके इस तरीके से कर लेना, दें यहाँ पे हमें लॉक कर देना। फिर से हमें प्लस का टैप करना, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से हमें इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है। देन हमें इसकी थोड़ी सी पहले साइज़ को बढ़ा लेना है और फिर हमें यहाँ पर कर देना है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इसी के बीच में बनेगा। सो हमें इसको पहले कॉपी कर लेना है, देन हमें यहाँ पर भी इसको इस तरीके से लगा लेना है, फिर से कॉपी करके हमें यहाँ पे लगा देना, देन अगेन एक और बार हमें कॉपी कर लेना है और इसको इस तरीके से लगाने के बाद में हमें यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे जाना और इन सभी को लॉक कर देना है। इतना करने के बाद फिर से प्लस करके उन पर टैप करना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ से हमें अपने चैनल का नेम लिख लेना है। देन मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। आपको सभी लेटर कैपिटल में रखने और इस तरीके से लिखने के बाद में हमें यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाना है और यहाँ से माय फ़ॉन्ट में जाना। मैं इस फ़ॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर हमें इसकी साइज़ में को लगभग 80 के कर लेना है। देन यहाँ पे हमें इसके कलर में जाना, ग्रेडिंग में जाना और हमें यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है, देन प्लस पे टैप करना और यहाँ से हमें इसको इस तरीके से कर देना है। फिर इस वाइट को हमें थोड़ा सा इधर लाना है, देन ओके पे टैप कर देना और इसको हमें थोड़ा सा इसके स्ट्रोक में जाना है और यहाँ से इसका स्ट्रोक हमें इनेबल करके वाइट करके 3 तक रख लेना है, देन ओके पे टैप कर देना। फिर हमें यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से हमें सेंटर में कर देना है और यहाँ से हमें इसको कॉपी कर लेना है, देन हमें अपने आगे का नाम लिख देना है। सो आगे का नाम है हमारा एडिट, इसको लिखने के बाद में हमें इसके भी कलर में जाना है, देन यहाँ से हमें ये वाला सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे प्लस पे टैप करना है, देन यहाँ से हमें इसको नीचे कर देना है और यहाँ पे कलर पे टैप करना है, देन यहाँ से हमें इसको रेड कलर दे देना है, देन ओके पे टैप कर देना है। इतना करने के बाद में हमें यहाँ पे ऊपर क्लिक करना और इनको हमें सेंटर में कर लेना है इस तरीके से, यू पे टैप करें। इनको सेंटर में करने के बाद में हमें यहाँ पे लेयर पे जाना और इनको भी लॉक कर देना है। फिर हमें प्लस का आइकन पे टैप करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से हमें इस वाली पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है, देन ओके पे टैप कर देना और इसके हमें साइज़ को पहले छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से और हमें इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। देन लेयर पे क्लिक करना और इसको एडिट के हमें नीचे कर देना है इस तरीके से। फिर से हमें इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे हमें क्रॉप में जाना है और इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके हमें इस तरीके से कर लेना है, देन हमें इसको इधर सेट कर देना है यहाँ पे और हमें इसको भी ड्रैग करके हमें नीचे ले जाना है इस तरीके से और इनको भी हमें लॉक कर देना है। फिर हमें प्लस के आइकन पे टैप करना है, फ्रॉम जाने के बाद में हमें इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ से हमें ओके पे टैप कर देना है और इसकी साइज़ को हमें पहले कम कर लेना है, देन इसको नीचे की तरफ यहाँ पे हमें इस तरीके से सेट कर देना है और इसकी ओपेसिटी को हमें 50 रख लेना है और इसको भी हमें कॉपी कर लेना है यहाँ से, देन इसको हमें इस तरीके से हमें यहाँ पे लगा देना है। इतना करने के बाद में हमें
यहाँ पे इन सभी को लॉक कर देना। यहाँ से अब इन सभी को टिक करने के बाद में इन सभी को हमें मर्ज्ड कर लेना है। यहाँ से देना हमें फिल्टर पे जाना है, नीचे स्क्रॉल करके फिल्टर पे जाना है और हमें यू को चेंज कर लेना है, जिससे आप अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हो। सो मैं वही कलर रखूँ और इसको यहाँ से हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।